Welcome to Government Co Education Strive to Excellence. Hi friends, this is Priya Kashyap. Government Co Education में आप सभी का स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे पूरे वीक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि लिए गए हैं सेवनटीन टू ट्वेंटी अगस्त 2020 से सो so गाय वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी के साथ आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था क्वेश्चन था हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए सिक्सटी वन जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देगी ऑप्शन थे बीस हजार रुपये तीस हज़ार रुपये चालीस हज़ार रुपये या दस हज़ार रुपये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी दस हज़ार रुपये डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने जो है कोरोना संकट को देखते हुए जो है बेरोजगार सीनियर एम जूनियर सिक्सटी वन खिलाड़ियों को जो है तत्काल दस दस हज़ार रुपये की जो है आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और जिनमें से सिक्सटी वन खिलाड़ी जिनको आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें से जो है तीस जूनियर और चार सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ ही जो है और छब्बीस जूनियर और एक सीनियर पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे और हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के जो नाम है वो है ज्ञानेन्द्रो निकोम्बम हैं इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है ऑप्शन है कर्नाटक बिहार तमिलनाडु या मणिपुर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी मणिपुर डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स है भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया की सबसे ऊंचे रेल पुल की जो है काम चल रहा है और यह है पुल जो है पूर्वोत्तर रेल के रेलवे की जो ओर से जो है मणिपुर में तैयार किया जा रहा है यह जो है 111 किलोमीटर लंबे जिरीबॉम इंफाम रेलवे प्रोजेक्ट का जो है एक हिस्सा है और यह पुल जो है 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है यह एक तरह से जो है यह पुल कुतुब मीनार से भी दोगुना ऊंचा है यह, यह यूरोप के मॉन्टे नगरो में बने जो है एक मीटर ऊंचे पुल का पुल का जो है रिकॉर्ड भी तोड़ेगा और 703 मीटर लंबे इस पुल का जो निर्माण है इम्फॉल से जो है 65 किलोमीटर नौनी जिले के मरांगचिंग गांव से में जो है किया जा रहा है इस पुल पर जो है रेलवे की ओर से कुल जो है 280 करोड़ रुपए की लागत आने का जो है अनुमान भी लगाया जा रहा है इसी के साथ एक बार मैप देखेंगे मैप में जैसे कि देख पाएंगे मणिपुर आप मणिपुर आप देख सकते हैं जो कि मैप में इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है जो कैपिटल है वो है इम्फॉल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्मेशन हुई थी इसकी जनवरी में की गई थी चीफ मिनिस्टर के एन सिंह है और जो गवर्नर है वो नजमा गवर्नर है। देख पाएंगे बॉर्डर जो शेयर कर रहा है अपना मिजोरम असम और नागालैंड से अपने बॉर्डर को शेयर करता है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रेपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है ऑप्शन है पंद्रह सौ करोड़ रुपए, दो हज़ार पाँच सौ करोड़ रुपए, सात हज़ार पाँच सौ करोड़ रुपए या पाँच हज़ार पाँच सौ करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर है इसका सी सात हज़ार पाँच सौ करोड़ रुपये डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं ए डी बी ने दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रेपिड रेल के लिए सात सौ सात हज़ार पाँच सौ करोड़ रुपए जो है फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है और इससे रैपिड रेल परियोजना का जो काम तेजी से के साथ भी पूरा होगा और एन के मुताबिक जो है ए द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए पैकेज को मंजूरी से क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ जो है क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ जो है जीवन शैली में भी सुधार लाएगा दिल्ली मेरट जो है रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत जो बनने वाला यह है बाईस जो है एट्टी टू किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के स, जो है सराय खां गाज़ेबाद मेरठ को जोड़ेगा मतलब ये जो बयासी किलोमीटर लंबा जो कॉरिडोर है वो दिल्ली सराय खां से जो है गाज़ेबाद मेरठ को जो है एक साथ जोड़ेगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है ऑप्शन है शिखर धवन रोहित शर्मा ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी रोहित शर्मा डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा पहलवान विनेश फोगाट और टेबल टेनिस चैंपियन जो है मोनिका बत्रा जो है पेराल्पियन मरियप्पन थंगा वेलू को राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार के लिए जो है सिफारिश की है और खेल रत्न भारत के किसी नागरिक को दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च खेल सम्मान है जिसमें से कि रोहित रोहित जो है राजीव गांधी खेल रतन सम्मान पाने वाले जो हैं छो, जो चौथे भारतीय क्रिकेटर होंगे और रोहित शर्मा से जो है पहले जिन्होंने इसको आ, हासिल किया है वो है सचिन तेंदुलकर उन्होंने जो हासिल किया था 1997 से 1980 1998 में उनको दिया गया था और वहीं एम एस धोनी को 2007 में और विराट कोहली को जो है 2018 से में जो है इससे सम्मानित जो है नवादा जा चुका है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन है सत्यपाल मलिक भगत सिंह कोशियारी, गिरीश चंद्र मुर्मू या फागू चौहान जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए सत्यपाल मलिक डिटेल देखेंगे डिटेल से, से गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से जो है अक्टूबर 2019 तक जो है जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक को पहली बार जो है बिहार के राज्यपाल के तौर पे जो है नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2018 में कुछ महीनों के लिए जो है उड़ीसा के राज्यपाल के अतिरिक्त जो है प्रभार भी दिया गया था और मलिक 21 अप्रैल 1990 से जो है नवंबर 1990 तक केंद्रीय राज्य मंत्री के भी रह चुके हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में आरबीआई द्वारा कितने राशि स्वीकृत की गई है ऑप्शन है सत्तावन करोड़ रुपए पचपन करोड़ रुपए पचास करोड़ रुपए या उनसठ हज़ार एक सौ पाँच करोड़ रुपये जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए फिफ्टी सेवन थाउजेंड वन ट्वेंटी एट करोड़ रुपीस डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा वर्ष दो हज़ार उन्नीस बीस के लिए जो है केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में सत्तावन हज़ार एक सौ अट्ठाईस करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और यह है निर्णय जो है आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांता दास की जो अध्यक्षता है उसमें आरबीआई बी की जो केंद्रीय बोर्ड की फाइव हंड्रेड एट्टी फोर वी जो बैठक हुई है उसमें लिया गया है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए एक बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है ऑप्शन है नेपाल रूस जापान या चीन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी चीन डिटेल देखेंगे डिटेल से चीन ने बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए एक बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है और नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपने आर्थिक मदद से लुभाने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यदि देखा जाए तो मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने जो है रंगपुर इलाके में तिस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए जो है आठ मिलियन डॉलर की मदद मांगी थी और यह पहली बार जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए जो है कर्ज देगा इसी के साथ एक बार मैप देखेंगे मैप में जैसे कि देख पाएंगे चाइना वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि आप चाइना यहाँ पर स्थित है जो इसकी प्रेसिडेंट है वो मिस्टर जिंगपिंग है जो पॉपुलेशन है चाइना की कंपनी वो है वन थर्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी सेवन करोड़ रुपीज कैपिटल जो है इसकी वो है बीजिंग जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो लार्जेस्ट सिटी है वो है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाई गो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया ऑप्शन है हरभजन सिंह महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा या सुरेश रैना करेक्ट आंसर है इसका वो है, A, हर है ए हरभजन सिंह डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाई गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और बयान के मुताबिक जो है हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ जो है कंपनी का जो लक्ष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसको पहुंचाना उसका बनाना उसका लक्ष्य है और उन्होंने जो है ई वाहन अपनाने के लिए जो है प्रेरित करना भी है और कंपनी अभी मुंबई बेंगलोर दिल्ली अमृतसर जयपुर और हैदराबाद में अपना परिचालन करती है और बयान में यह भी कहा गया है कि हरभजन सिंह के जोड़ने से उसे पुणे और चेन्नई जैसे नए बाज़ारों में जो है बढ़त बनाने में भी मदद मिलेगी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एकमात्र घर विश्व के लिए जो है एक जलवायु अपील पुस्तक के लेखक कौन है ऑप्शन है सदगुरु दलाई लामा गोर गोपाल दास या ओशो जो करेक्ट आंसर है वो है बी दलाई लामा डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने जलवायु परिवर्तन पर एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है हमारा एकमात्र घर विश्व के लिए एक जलवायु अपील अब पुस्तक जो है नवंबर 2020 में जारी की जाएगी और इसे जो है हनोवर स्क्वायर प्रेस द्वारा जो है किया जाए प्रकाशित जो किया जाएगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन है पटना दिल्ली लखनऊ या जयपुर जो करेक्ट आंसर है वो है बी दिल्ली डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं दिल्ली नगर पालिका परिषद ने जो है 20 अगस्त 2020 को घोषित जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की जो श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है और एन डी एम सी क्षेत्र में जो है लुटियंस दिल्ली शामिल है और इसमें जो है राष्ट्रपति भवन संसद भवन उच्चतम न्यायालय और उत्तर दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी शामिल हैं और एनडीएमसी के राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में सोच से मुक्ति की श्रेणी में जो है डबल प्लस और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में जो है तीन स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग में इसे पहले से ही मिली है जो इसकी रैंकिंग मिली है पहले से ही मिली है इसी के साथ देखते हैं एक बार मैप जैसे कि मैप में देख पाएंगे दिल्ली देख सकते हैं भारत के मैप में दिल्ली इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है फॉर्मेशन हुई थी इसकी जो यूनियन टेरिटरी बना था ये 1956 में बना था जो कैपिटल है न्यू दिल्ली है जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के वो है अरविंद केजरीवाल जैसे कि देख पाएंगे बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का जो है सृजन किया ऑप्शन है दस पाँच छ या चार जो करेक्ट आंसर है वो है इसका सी छः डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स में भारतीय रेलवे ने कहा है कि उसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जो है राज्यों में पाँच लाख से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं और रोजगार सृजित होने वाले राज्यों में जो है उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान और उड़ीसा शामिल है और इन राज्यों में जो है प्रवासी भारतीयों को रोजगार देने के लिए रेलवे की बुनियादी ढांचे से जुड़ी जो है एक योजनाएं चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के चलते घरों को जो है लोटे प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की भी शुरुआत की थी और यह योजना जो है के एक से सोलह जिलों में जो है चलाई जा रही है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेट ग्रेटर माने ने जो है मालिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय पैकेज की जो घोषणा की है ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या जापान करेक्ट आंसर है इसका सी भारत डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स में भारत सरकार मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने और मालदीव की आर्थिकता जो आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए जो है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, की सहायता आर्थिक सहायता प्रदान की करेगी और भारत सरकार ने जो है 500 मिलियन डॉलर वित्तीय पैकेज से जो है 100 मिलियन डॉलर की अनुदान और 400 मिलियन डॉलर की जो है नई लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है और भारत सरकार की इस घोषणा के माध्यम से जो है मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के बीच दोनों देशों के संबंधों को जो है और अधिक मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवान ने हाल ही में किस देश से जो है नवीनतम जो है सिक्सटी सिक्स एफ सिक्सटीन जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है ऑप्शन है रूस चीन जापान या अमेरिका जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी अमेरिका डिटेल देखेंगे से ताइवान ने हाल ही में जो है अमेरिका से नवीनतम जो है सिक्सटी सिक्स एफ सिक्सटीन जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इससे आगे जो है अमेरिका और चीन के बीच जो है तनाव बढ़ने की आशंका भी है और उन्नीस के बाद यह अमेरिका से जो ताइवान की यह पहली खरीद है और ताइवान के पास जो है पुराने 150 सौ पचास एफ सिक्सटीन लड़ाकू विमान हैं और अब ताइवान को जो है नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान जो है मिलेंगे अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता जो कंपनी है उसकी लॉक हीड मार्टिन को अगले दस साल तक जो है एफ सिक्सटीन विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का जो है सिक्सटी टू अरब डॉलर का जो है ठेका भी दिया है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी एम सुरेश रैना महेंद्र सिंह धोनी एम विराट कोहली युवराज सिंह एम रविंद्र जडेजा या रोहित शर्मा एम केदार जाधव जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए महेंद्र सिंह धोनी एम सुरेश रैना डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है सन्यास लिया है और धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को जो है क्रिकेट में साल 2011 में फिर से विश्व विजेता भी बनाया था और इसके अतिरिक्त जो है साल 2007 में धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने टी ट्वेंटी विश्व कप अपने नाम भी किया था धोनी ने जो है साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की जो शुरुआत की गई थी और सुरेश रीना ने अपने 16 साल के करियर में जो है भारत के लिए 18 टेस्ट 226 वनडे और जो है सेवेंटी एट टी ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और उन्होंने इस बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सात हजार से ज्यादा रन बनाए हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ऑप्शन है बिहार झारखंड गोवा या कर्नाटक जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी गोवा डिटेल देखेंगे डिटेल से, से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गांव गोवा का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर से में से विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था और भाजपा और अभी उनके जो कार्यकाल को जो है साल भर भी पूरा नहीं हुआ है कि भाजपा ने साल 2008 में उन्हें जो है राज्यसभा भेजा था और इसी के साथ ये साल जो है दो हजार भाजपा ने 2008 में उन्हें राज्यसभा में भेजा था और वे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से जीतकर जो हासिल कर संसद पहुंचे थे वे विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे थे इसी के साथ एक बार मैप देखेंगे जैसे कि मैप में आप देख पाएंगे यह है गोवा जो गवर्नर है वो गवर्नर है सत्यपाल मलिक जो कि अब उनको जो नियुक्त कर दिया गया है वो नियुक्त किया गया है जैसे उनको मेघालय का सत्यपाल मलिक जी को जो है मेघालय के राज्यपाल के रूप में अब नियुक्त कर दिया गया है और जिनकी जगह अब जो है यहाँ पे जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया जो है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नियुक्त किया गया है इसी के साथ एक बार जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के इनके वो हैं प्रमोद सावंत जी और जो कैपिटल है यहाँ की वो है पन्न जी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो फॉर्मेशन हुई थी इसकी जो स्टेट इस बना था वो थर्टी मई नाइनटीन में इसको स्टेट बनाया गया था और देख पाएंगे जो बॉर्डर को शेयर करता है गोवा अपना शेयर करता है महाराष्ट्र और कर्नाटक से अपने बॉर्डर को शेयर करता है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को जो है मंजूरी प्रदान कर दी है ऑप्शन है तारीघाट रेलवे स्टेशन मंडवाडीए रेलवे स्टेशन अमोसी रेलवे स्टेशन या बलरामपुर रेलवे स्टेशन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी मंडवाडाई रेलवे स्टेशन डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं उत्तर प्रदेश में अब एक रेलवे स्टेशन के नाम पे जो है बदल दिया गया है उत्तर प्रदेश जो है अब एक रेलवे एक जो है और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है इट मीन्स वहाँ पे अब एक और रेलवे स्टेशन है जिसे बदल दिया गया है और मंडुआ डी ए रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा और केंद्रीय जो गृह मंत्रालय ने मंडुआ डीए रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो बनारस करने की मंजूरी भी दे दी है और जबकि इससे पहले जो मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी किया जा चुका है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर परियोजना पवित्र शहर के माध्यम से कटरा से दिल्ली को जोड़ेगी ऑप्शन है अमृतसर कुरुक्षेत्र हरिद्वार या धर्मशाला जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए अमृतसर डिटेल डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स में भारत सरकार ने अपनी तरह के जो कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है और यह परियोजना जो है तीन वर्ष में पूरी होने मीन्स दो हजार तेईस तक जो है कार्यशील होने का इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है एक बार कार्यात्म होने के बाद जो है कटरा से दिल्ली तक का जो समय लगेगा वो साढ़े छः घंटे और जम्मू से दिल्ली तक का जो समय लगेगा लगभग वो छः घंटे का हो जाएगा और यह दिल्ली को जो है पंजाब के अमृतसर से और जम्मू को कश्मीर के कटरा से जोड़ेगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है ऑप्शन है भारत चीन नेपाल या पाकिस्तान जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी नेपाल डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स है नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की गई है और इसका यह रंग जो है बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है जो इसके पिगमेंटेशन को बदल देता है नेपाल की ये टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि नेपाल में इस कछुए में जो है क्रोमेटिक ल्यूजिजम का यह है जो है पहला और दुनिया भर का जो है केवल पांचवा मामला है वन्य जीव विशेषज्ञ कमल देव कोटा ने कहा कि इस कछुए का जो नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक जो है महत्व है इट मीन्स जो कछुए का जो है इसकी जो है इसको विष्णु जी का जो है रूप भी माना जाता है नेपाल में इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध जो है प्रदान किया है ऑप्शन है गुजरात कर्नाटक उत्तराखंड या तमिलनाडु करेक्ट आंसर है इसका ए गुजरात डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं गुजरात सरकार ने भरूच में भातभूत भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है और भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना को जो है मंजूरी दे दी है इस परियोजना की को जो है स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ा है और क्योंकि इसके निर्माण में जो है मछली पकड़ने के जो पैटर्न हैं मुख्य रूप से जो है हिलसा को पकड़ने के पैटर्न पर भी प्रभावित की होने की जो है संभावना है और यह जो है नर्मदा नर्मदा नदी के पार भात गांव से जो है पाँच किलोमीटर और नदी के मुहाने से जो है पच्चीस किलोमीटर दूर स्थित है जहाँ नर्मदा नदी की जो खम्बात के खाड़ी में गिरती है इसी के साथ एक बार मैप देखेंगे मैप में जैसे कि गुजरात आप देख सकते हैं जो कि भारत में इस प्रकार से स्थित है जो फॉर्मेशन हुई थी इसकी फर्स्ट में 1960 में की गई थी जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी हैं जो कैपिटल है वो है गांधीनगर जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो लार्जेस्ट सिटी है वो है अहमदाबाद जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे बॉर्डर जो शेयर करता है गुजरात अपना देख सकते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन सभी से ये अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है ऑप्शन है पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी दूसरे स्थान पर डिटेल्स देखेंगे डिटेल से भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम जो टेस्ट रैंकिंग की बल्लेबाजों की सूची में जो है दूसरे स्थान पर बरकरार हैं जिसमें शीर्ष में जो है दो अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल है इतमिन जो सूची बनाई गई है उसमें टोटल जो है भारतीय थ्री भारतीय है शामिल हैं और जो है विराट कोहली आठ अंक के साथ जो है दूसरे स्थान पर बरकरार हैं और वहीं जो है चेतेश्वर पुजरा पुजारा जो है सात और अजिंक्य रहाणे जो है दो सात की भी बल्लेबाजी सूची में क्रमशः जो है आठवें और जो है दसवें स्थान पर कायम है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो है शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं इसमें जो सूची बनाई गई है नवीनतम टेस्ट रैंकिंग बेंच जो है बल्लेबाजों की सूची बनाई गई है उसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो है शीर्ष रैंकिंग स्थान पर है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीम इलेवन ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप जो है राइट्स खरीदे हैं ऑप्शन है एक सौ बाईस करोड़ रुपए तीन सौ बाईस करोड़ रुपए दो सौ बयासी करोड़ रुपए या दो सौ बाईस करोड़ रुपए करेक्ट आंसर है इसका डी दो सौ बाईस करोड़ रुपए डिटेल देखेंगे डिटेल से ड्रीम इलेवन ने जो है चीनी कंपनी वीवो की जगह जो है लगभग साढ़े चार महीने के लिए है टाइटल परियोजना का अधिकार हासिल किया है और है जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अठारह अगस्त जो है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी तक के लिए है ड्रीम इलेवन जो है पिछले कुछ वर्षों से आई पी एल जो है प्रायोजन से जुड़ा है और इस बार जो है आईपीएल का जो आयोजन है नौ उन्नीस सितंबर से दस नवंबर तक इस साल संयुक्त तो अरब अमीरात में किया जाएगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जो है कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग जो है नौकरियां गवा चुके हैं ऑप्शन है वन पॉइंट नाइन करोड़ थ्री करोड़ फाइव करोड़ या 7 करोड़ जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए वन पॉइंट नाइन करोड़ डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सी एम आई ई के जो मुताबिक है करोना संकट की वजह से लगभग जो है 1.9 करोड़ लोग जो है नौकरियां गवा चुके हैं सिर्फ जुलाई महीने में जो है 50 लाख जो लोग थे वो बेरोजगार हुए थे और हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार जो है जून महीने में जो फोर पॉइंट जो है लाख लोग जो है औपचारिक कार्य बल से जुड़े हैं और सी एम आई ई का यह कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं यानी लोगों को मिलने लगी हैं अब क्योंकि धीरे धीरे जो इकोनॉमिक भी खुल रही है इसी के साथ जानेंगे सी एम आई ई क्या है सी एम आई ही जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी जो है एक प्रमुख व्यवसाय सूचना कंपनी है और यह है जो है मुख्य रूप से स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में जो है 1976 में इसे स्थापित किया गया था और सी एम आई ई आर्थिक और वेबसाइट डेटाबेस का जो उत्पादन करता है और निर्णय लेने और अनुसंधान के लिए अपने ग्राहकों को देने के लिए जो है विशेष विश्लेषणात्मक जो है उपकरण भी विकसित करता है और जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है वो मुंबई में स्थित है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स आई वी ब्रांड ओकली ने जो है किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में दो साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऑप्शन है विराट कोहली रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा या सचिन तेंदुलकर जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी रोहित शर्मा डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स इन स्पोर्ट्स आईबीए ब्रांड ओकली ने जो है भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में दो साल के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है और इस साझेदारी के तहत जो है रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए और पेटेंडेड जो है प्रेस तकनीकी से जो है लेस ओकली के जो है आईव पहने होंगे और इस साझेदारी में जो है रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के जो है प्रदर्शन पर भी नज़र रखेंगे और वह विराट कोहली युवराज सिंह और मिलिंद सोमन की श्रेणी में जो है शामिल हो चुके हैं जिन्होंने जो है पहले ब्रांड का जो है समर्थन भी किया है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण थ्री इल जो है जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है ऑप्शन है चीन रूस जापान या नेपाल जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी नेपाल डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं भारत अरुण थ्री जल विद्युत परियोजना के निर्माण में जो है नेपाल की सहायता कर रहा है और अरुण थ्री नेपाल की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है और इसे जो है भारत की सहायता से बनाया जा रहा है परियोजना जो है की जो शुरुआत है नेपाल सरकार ने उन्नीस सौ बानवे में की थी इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो उन्नीस सौ बानवे में की गई थी और इस परियोजना के निर्माण का को जो है पाँच भारतीय बैंकों पहला भारतीय स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक एक्जिम बैंक और यूबीआई और दो नेपाली बैंक एवरेस्ट और जो है नबील बैंक इसके जो है निर्माण के लिए ऋण देने का जो है वादा किया है और यह है नाइन हंड्रेड मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ जो है निर्यात मुख जो है परियोजना है इसी के साथ एक बार मैप देखेंगे मैप में जैसे कि देख पाएंगे नेपाल और जो प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ की खड़गा प्रसाद शर्मा हैं जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है यहाँ पे देख पाएंगे काठमांडू इसकी कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है और इसी के साथ जैसे कि ये अपने बॉर्डर शेयर करता है चाइना और नेपाल दोनों से ये अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर कर रहा है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी बी एस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के एम और प्रमुख रूप में जो है नियुक्त किया ऑप्शन है राहुल सचदेवा अमित त्यागी प्रशांत जोशी या मोहन झा करेक्ट आंसर है इसका सी प्रशांत जोशी डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को जो है प्रबंध निदेशक एमडी और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया है और वह जो है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ ई सुरजीत शोंग को जो है रिपोर्ट करेंगे और डी बैंक इंडिया लिमिटेड कि जो फॉर्म किया गया था जो फाउंड हुआ था वो 1994 में इसे फाउंड किया गया था इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय प्रसंबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन है, है इसराइल चीन पाकिस्तान या बांग्लादेश करेक्ट आंसर है इसका ए इसराइल डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स में भारत और इसराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए जो है सांस्कृतिक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं और इससे दोनों देशों के बीच जो है साहित्य शिक्षा सिनेमा आदि के जो क्षेत्र हैं उन सभी में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे और इस जो है तीन वर्षीय कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है दोनों देशों के लोगों के बीच जो है सहयोग और जो है आदान प्रदान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है ऑप्शन है इंदौर चंडीगढ़ रायपुर या पुणे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए इंदौर डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार जो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में जो है लगातार चौथी बार जो है सबसे साफ शहर घोषित किया गया है और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है केंद्र द्वारा कराए जाने वाला सफाई को जो है लेकर यह एक वर्षीय सर्वेक्षण है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवा सेवानिर्मृत सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का जो है फैसला किया है ऑप्शन है बिहार पंजाब महाराष्ट्र या राजस्थान और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी महाराष्ट्र डिटेल्स देखेंगे डिटेल से महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिर्वृत्त सैनिकों को जो है ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से जो है छूट देने का फैसला किया है और अभी तक जो है रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके जो आश्रितों को जो है ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री जो हैं दादाजी भूसे की सलाह पर अब छूट का जो दायरा जो है सभी सेवारत और सेवानिर्वृत्त सैनिकों के लिए जो है बढ़ाया गया है इसी के साथ एक बार मैप देखेंगे मैप में जैसे कि देख पाएंगे महाराष्ट्र आप देख सकते हैं जो कि इस प्रकार से स्थित है जो कैपिटल है वो है मुंबई और नागपुर इसकी कैपिटल है जैसे कि मुंबई को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि स्थित है और जो इसके गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं जो फॉर्मेशन हुई थी फर्स्ट में नाइनटीन में इसकी फॉर्मेशन की गई थी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं देख पाएंगे बॉर्डर जो शेयर करता है महाराष्ट्र अपना देख सकते हैं गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना कर्नाटक और यहाँ पे देख पाएंगे गोवा से भी अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली ऑप्शन है महिंदा राजपक्षे राणा सिंगे प्रेमदास गौतम बया राजपक्षे या रानिल विक्रम सिंह है और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को जो है सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आंशिक यूज जो कि लिए गए थे पूरे वीक से सो गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी के साथ जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय एंड टेक केयर